हमारे इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे ये 12012 ट्रांसफार्मर कैसे वेंडिंग करते हैं और इसका कंप्लीट डाटा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और देख सकते हैं ये मेरा हो गया एसी, ठीक है, और इधर है मेरा डीसी, जो ये 12 ये 0 ये फिर 12012 का ये ट्रांसफार्मर। मैं आज कंप्लीट डाटा आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं हम कैसे वेंडिंग किए हैं। इसको कंप्लीट वेंडिंग तो हम आपको नहीं दिखा सके, इसका डाटा आप लोगों को बता रहे हैं, उसी तरह आपको करना है, ठीक है। देखते रहिए हमारे चैनल में, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कंप्लीट डाटा, तो ये 12012 का ट्रांसफार्मर वेंडिंग डाटा है। तो जो इसका एसी लाइन है वो होगा 37 नंबर, कॉपर वायर टर्न होगा इसका 1500, और डीसी का उसका होगा 25 नंबर कॉपर वायर से टर्न होगा 85+85, ठीक है, 85 में एक निकलेगा और एक भी 85 में। आप इसका पत्ती का नाप देख लें, इसी साइज ट्रांसफार्मर का ये डाटा आज हम लोग बताएंगे। जो इसका बीच का साइज है वो 2 सेंटीमीटर, और इसका कोर का साइज है वो 1 सेंटीमीटर, और इसका जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर, और इसका जो चौड़ाई है वो 5.7 सेंटीमीटर, और इसका दूसरा भाग जो है वो है इसका चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर, इसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो फिर आप लोग देख सकते हैं